क्या भाई, मैं नहीं दे रहा यार लिफ्ट, ऐसा भाई अजीब लग रहा है यार। दो दो अंडे यहाँ छी, मतलब छी नहीं सॉरी छी बोल रहा मैं गलत। अगर कोई मर्द जात मेरे से लिफ्ट मांगती तो मैं उन्हें तो दे देता, मुझे अपने पे शक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? इट्स योर बॉय हनी बॉय और मेरा भाई, मैं और मेरे चाचा का लड़का, मतलब वो भी मेरा भाई है। और अभी हम लोग जाएंगे एक सीक्रेट हिडन वाटरफॉल में, आपको भी लेके चलते हैं हम, चिंता मत करो। पर फिलहाल तो मेरे भाई लोग भागने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे भी जाना पड़ेगा। ये हो रुक, तो ये देखो ये रहे मेरे भाई लोग। क्या चेकिंग नहीं हो रही? कर रहे चेकिंग? पता नहीं, कर तो रहे मुझे लग रहा है। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ। अबे ये भाग गया। आए, ये क्या हो रहा है? सीधे बनिए, सीधे 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 सीधे। अरे इसको सीधे सीधे, इसको सीधे का मतलब समझ नहीं आता है। अच्छा यहाँ पे आए, यहाँ पे आ रहे हैं मतलब प्रेसिडेंट। यहाँ क्या है भाई, इतनी भीड़ भाई, देख रहे हो पावर प्रेसिडेंट के लिए इतनी भीड़ भाई। रास्ता तो पीछे से था वैसे, तू ही तो आया। मैं तो तब से, मैं तब से बोल रहा था पीछे, अब लंबा घूम के जाना पड़ेगा। एक बम्प फील ना हो प्रेसिडेंट जी को, क्या बोलते हैं, सारे स्पीड ब्रेकर ही हटा दिया कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे, वो भी इतने चट्टे बड़े बड़े। अगर आप लोग श्रीनगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग भी आ सकते हो उस सीक्रेट वाटरफॉल में मेरे दोस्तों। इस रूट से जाना था पर ये बंद हो रखा है, अब वापस यहीं से क्या करें यार। रोहित सर रास्ता बंद है? हाँ पूरा गिल्ला बंद कर रखा उन्होंने, पता नहीं। नहीं नहीं एक पैच है बस, बस सर वो भाई आ रहा घूमने के लिए जा रहे हैं। और हम आ गए हैं दूसरी साइड, ये देखो यहाँ से रास्ता खोल रखा है इन्होंने। हम अच्छा खासा इस वाली रोड पे आधे तक आ गए थे और यहाँ पे इन्होंने कर दिया बंद। कांच के ऊपर से निकल गया हूँ, अगर आज पंचर हो गया तो समझ जाओ ये इसी वजह से हो रखा है और फंस गया हूँ मैं। तो गाइस ये है देखो हमारा सीक्रेट वाटरफॉल। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग तो सीरियस हो गए यार इतनी जल्दी, ये थोड़ी होगा। अरे सीक्रेट वाटरफॉल है, थोड़ा अच्छा दिखाऊंगा भाई, चिंता मत करो, डरो मत। ये है देखो श्रीनगर डैम और उसके पीछे पीछे से जो रास्ता आता है, और यहाँ पर से देखो सौरा खाल बड़ियाड़गढ़ 22 किलोमीटर, श्रीनगर 5 किलोमीटर, ये वाला रास्ता है। और इस रोड पर सीधे सीधे जाना है आप लोगों को। किधर जा रहे हो मतलब? भैंसवाड़ा। एक मिनट इनसे पूछता हूँ मैं। भैया भैया भैंसवाड़ा, पीछे वाली ना, पीछे। ये देखो मेरा भाई, ये है ध्रुव और ये मेरा अपना भाई, ये राहुल बन्नी। देखो उसका नाम है बन्नी, मेरा नाम है हनी। यो मा पम्पकिन पम्पकिन, हेलो हनी बन्नी, और लास्ट में टोको टोको। बहुत गंदा गाना था यार, पूरा बचपन खराब कर दिया इस गाने ने। यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाऊँ आपको? ये तो आ रहे हैं अभी, तब तक आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो हेवन ऑन अर्थ, कितना प्यारा लग रहा है। ये लोग अभी है पीछे यार, पहाड़ों में पता क्या दिक्कत होती है कि जो स्कूटी होती है वो दम तोड़ती है, मतलब वो इतने स्पीड से नहीं चलती है जितना बाइक। अब देखो बाइक तो आराम से चल जाएगी ना, गियर शिफ्ट करा चलो जितना मर्जी चढ़ाई हो आराम से पहुंच जाएगी, पर स्कूटी के साथ ऐसा नहीं है। क्या क्या है दिखा? मिड जर्नी स्नैक्स, स्नीकर और फ्रूटी, सही है पेट भर जाएगा इतने में। श्री घंटा कर्ण मंदिर प्रदेश द्वार बड़ियाड़गढ़ आगमन आपका स्वागत करता है। चिल मारने के लिए कितनी सही जगह है यार, बैठे रहो आराम से। यार मैं इस रोड में ना 8th क्लास में आया था, जैसे मैं आपको बता ही रहा था शुरू में। आंटी मोबाइल चला रही है आंटी वहाँ ऊपर पे, जंगल के बीच पर खड़े होकर मोबाइल चलाओ भाई, बाघ बुक का डर रहता है यार। और यार जगह कितनी प्यारी है, और मेरा भाई ऊपर आ रहा है आराम से वीडियो वीडियो बना के, और उसे देखने के चक्कर में मैं किनारे घुस गया था अभी भाई। जगह जन्नत, एंड वी आर हेयर। पर हमको बड़ियाड़गढ़ नहीं जाना है यार वैसे,
हमको एक सीक्रेट वाटरफॉल में जाना है और हमें अभी बड़ियाड़गढ़ से मतलब नहीं है। बड़ियाड़गढ़ में वैसे तैरने लायक कोई स्पॉट है मैंने सुना है। हम जाएंगे देखो तेगढ़, आगे तेगढ़ है और नीचे है, ये पूरा गांव बड़ियाड़गढ़ है वैसे तो। नीचे भी पता नहीं कौन कौन से रास्ते हैं एंड देन नीचे पर ब्रिज भी है। हाँ ये है ब्रिज और इधर कहीं पर देखो, ये देखो यहाँ पे है तैरने के स्पॉट एक दो, मैंने सुना है यहाँ कहीं लोग आते हैं तैर। और देखो वो स्विमिंग पूल बना रखा देखो वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये पूरी बड़ियाड़गढ़। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो यार ये लोग तो निकल गए नीचे की तरफ, ये लोग बोल रहे हैं हमको जाना है पहले ब्रिज में, तू वहाँ पर से ड्रोन उड़ा लेना और जब तक तू ड्रोन उड़ाएगा हम मजे कर लेंगे। तू पर ड्रोन उड़ाना अपना, आराम से वीडियोस निकालना। अपने लंका में विभीषण लोग भर रखे हैं, क्या कर रहे थे बताओ। ये रहे देखो लोग क्या, एंड हियर वी आर, ये है बड़ियाड़गढ़ का एरिया। ये देखो एक ये यहाँ से नहर आ रही है पूरी और जा रही है सामने। श्रीनगर गढ़वाल से 30 किलोमीटर आगे जाके एक गांव आता है जिसका नाम बड़ियाड़गढ़ है और यहां पे इस गांव के कुल देवता का मंदिर भी स्थापित है। सफर के बीच में हम लोग यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ियाड़गढ़ कैसा लगा आप लोगों को जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। पहले तो बहुत ही सुंदर था, मैंने ड्रोन व्यू जब लिया तो कितना सही लग रहा था यार। ये मैं और मेरे दोनों भाई हम निकलेंगे उसी सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ, बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे अभी हम। गिव मी वाटर, टेक इट, ड्रिंक इट, डेंजर अहेड, रोड टूट रखी देखो, और अगर आप किनारे गए तो रोड और टूट सकती है। तो ये सारा नुकसान ना पता कब होता है, जब बारिश आती है। इस रूट में आई थिंक मैं पहली बार आ रखा हूँ, वैसे आप लोगों के साथ तो पहली बार आ रखा हूँ। और ये जगह जो है ये धोड़ंगी, कितना प्यारा गाँव है यार ये। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, मुझे ये याद तो आ रहा है यहाँ पे हम पकौड़े खाने के लिए रुके थे बचपन में। इस जगह का नाम है तेगढ़ और हमें यहाँ से ऊपर मुड़ना है आई थिंक, पर नहीं मुझे तो आगे जाना था। हाँ हम इस दुकान में रुके थे हम, ये देखो यहाँ पे रुके थे हम पकौड़े खाने के लिए। अरे भाई मेरी मेमोरी अभी भी शार्प है, थोड़ी देर में दिखेगा कितनी शार्प है। मुझे हल्का हल्का याद था कि एक एरिया ऐसा आता है ना कि नीचे पर मतलब पत्थर पत्थर पूरा ऐसे स्लोप दिखता है और हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं। और अभी दिखाऊंगा मैं उस जगह को जो मैं दिमाग में अभी तक छप रखी है जो मेमोरी। Later. रुक एक मिनट, अरे ये मैप उल्टा दिखा रहा है बे, तो मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प भी नहीं है। तो हम फिर दोबारा तेगढ़ आ चुके हैं और हमें यहाँ से ऊपर वाली रोड में कटना है। ये वाली रोड दिख रही है, ये वाला है वो रास्ता यार। नाउ आई एम प्रीटी श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक, पूछना नहीं है किसी से, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस। हाँ ये थी देखो वो जगह, कितनी प्यारी लग रही है ना, वहाँ एक मंदिर भी है बहुत प्यारा सा। यार ये जगह मैंने, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा था पर ये जगह बहुत प्यारी है यार। और टॉप पे मंदिर कितना प्यारा लग रहा हो। चिलैड़ी चिलैड़ी, यहाँ से कहाँ जाना होगा यार, कोई है वहाँ पे रास्ता ही पूछ ले। एक भैया दिखे हैं मुझे बड़ी मुश्किल से, भैया झरने का रास्ता यहीं से है ना, अब नहीं भूलने वाला रास्ता मैं, ये मैं लास्ट टाइम था समझे, वो 8th क्लास में आया था मैं तो मुझे इतना ढंग से याद नहीं था। इस जगह का नाम ही धारकोट है पता आपको, गाँव का नाम है चंगी और पीछे वाला उधर की साइड था धारकोट, तो धारकोट के इधर ही है। और ये देखो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम करेंगे लंच, 3 बज गए। ओके तो 3 से 4 बजे तक हम शायद वाटरफॉल पे रहेंगे, 3 से 4 बजे तक ही रहेंगे वाटरफॉल पे और उसके बाद हमें घर भी तो जाना है, 2 घंटा तो लगेगा ही कम से कम। और ये जो एरिया है इसकी टोटल डिस्टेंस आपको मैं बताता हूँ, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच में होगी क्योंकि लंबा रास्ता है यार, 50 किलोमीटर मान के चलो ठीक है, तब बाद में मत बोलना कि तूने गलत बताया, 50 किलोमीटर डन है। तो जी देखिए हमने लंच कर दिया और यहाँ आ चुके हैं हम, ये रहा देखो ब्रिज और वो रहा वाटरफॉल, हियर वी आर है, इधर कहीं से इधर से रास्ता। और ये देखो पहले ये कुछ नहीं था यहाँ पे बना रखा, अच्छा अब ये सब बना दिया इन्होंने, उस समय ये कुछ नहीं था, ये पूरा ऐसे टूटा टूटा सा था, अब देखो अब बिल्कुल एक प्रॉपर वे बना दिया इन्होंने, अरे बढ़िया। चलो वहाँ चलते हैं उधर।
ये है देखो सीक्रेट वाटरफॉल, कितना सही लग रहा बताओ इसका, क्योंकि हमें नाम नहीं पता तो हमने इसका यही बोल दिया है सीक्रेट वाटरफॉल। मैप्स में कुछ और नेम है उसका, सर्च मार के भी आ सकते हो पर कभी कभी मैप्स काम नहीं करेगा ये याद रखना। हाँ तो मैप्स में इसका नाम लिखा है बेलगढ़ फॉल, ठीक है, पर मिल ले तो सीक्रेट वाटरफॉल ही है। पहले यहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे पता नीचे, अब एकदम चेंज हो गया है, समर्स के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ पर एक तो हम विंटर्स में आ रखे हैं तो हम डुबकी भी नहीं मार सकते। यहाँ देखो कितना प्रॉपर तरीके से बना रखा है, ये देखो फ्रेश वाटर आ रहा है, जो पुराना वाटर है वो यहाँ से फ्लो हो जा रहा है नीचे को, और कुछ वाटर इधर जा रहा है एक छोटे से पूल की तरफ। ये बढ़िया है, सिस्टम अच्छा बना रखा है पूरा, सिस्टम पार देंगे एकदम। क्या नहीं है, कोई फीस नहीं है, फिश फीस अच्छा फीस, हाँ एंट्री फीस नहीं है यहाँ की, फ्री है एकदम। सबसे अच्छी बात ये एंट्री फीस नहीं है, हाँ पर ये कि जो तुम आओगे रास्ते में वो पूरा एंट्री वसूल हो जाएगी, पर जो कि अच्छी चीज़ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, पर गर्मियों के लिए बेस्ट है भाई, अगली गर्मियों में इस एरिया में तो आना ही आना पड़ेगा। चलो घर की तरफ वापसी, हो गया टाइम, घर भी निकलना है नहीं तो अंधेरा हो जाएगा तब तक, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। इस एरिया में तो ठंडा है पर काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, पहले से तो बहुत अच्छा बना दिया है। अब हौले हौले अपना घर की तरफ निकलेंगे, बस एक घंटे का सफ़र है। क्या भाई मैं नहीं दे रहा यार लिफ्ट, ऐसा भाई अजीब लग रहा है यार, दो दो अंडियाँ अच्छी मतलब अच्छी नहीं, सॉरी ठीक बोल रहा मैं गलत, आई एम सॉरी बाबू, और ऐसा अजीब लगता है यार। अगर कोई मर्द जात मेरे से लिफ्ट मांगती तो मैं उन्हें तो दे देता, पर यहाँ पे आंटी लोगों ने मांगी तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। वैसे यार देखो गांव के लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, शरीफ होते हैं, पर मेरी जो किस्मत है मुझे अपने पे शक है, मेरा आंटियों के साथ बिल्कुल सही सिस्टम नहीं है। आप लोगों को भी पता है मेरी हिस्ट्री आंटियों के साथ हमेशा ऐसे बुरी रही है, एक आंटी होती तो मैं सोचता भी यार, दो दो आंटियाँ थी लिफ्ट मांगने वाली तो अच्छा नहीं लग रहा था, और भी सुनसान जंगल के रास्ते में। आ, आ, आ। इन लोगों के लिए रुक जाता हूँ, आ गए, चलो भाइयों के लिए भी तो रुकना पड़ेगा ना, अकेले अकेले थोड़ी जा सकता हूँ इतने जल्दी जल्दी, क्या करूँगा मैं। जैसे मैंने जाते हुए बोला था, जो ये पीछे वाला गांव है जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेंपल भी अच्छा था, टाइम बच गया हम पे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी एक ड्रोन का शॉट लेंगे, ये पूरा गाँव को कैप्चर करेंगे और क्लोजली देखेंगे कि वो मंदिर है कैसा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे वो मंदिर, तो इसको मैं थोड़ा पास से जाके देखूँगा इस पूरे गाँव को, और ये टेरेस फार्मिंग यहाँ की और की है जो काफ़ी अच्छी लग रही। नीचे कमेंट बताओ यार गांव कैसा लगा। बस तेगढ़ पहुँच के ही पेट भरना है भैया, पराठा या मैगी तो पक्का खानी है, बहुत भूख लग रही है। दिन में भी हमने हल्का फुल्का ही खाया, जाम लग गया। और ये तो हमारी शाम की मेल भी आ गई, पेट पूजा करेंगे अच्छे से। अब यहाँ से श्रीनगर थोड़ा ही बच रखा है और ये मेरे भाई लोग आगे जा रहे हैं। अंधेरा भी हो रहा है और बाघ का भी डर रहता है तो इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम। ये देख रहे हो ये हमारा होम टाउन, यहाँ से कितना प्यार। वैसे हम श्रीनगर पहुँच ही गए और ये लोग भी आ गए, देखो सीधा आ गए। एंड गाइज वी आर बैक, भाई को छोड़ दिया घर में मैंने, अब आ गया हूँ अपने स्टूडियो। अब मुद्दे की बात ये आती है, आप लोग मुझे बताओ कि ये आपको वाटरफॉल कैसा लगा। इसका नाम था भेलगढ़ वाटरफॉल, नीचे मैं इसकी लोकेशन दे दूंगा आप लोगों को अगर आपको जाना है। ये एक मैंने परफेक्ट रूट बना रखा है, आप लोगों को सिर्फ इस रूट को फॉलो करना है और आप पहुंच जाओगे भेलगढ़ फॉल। और हाँ लास्ट में ये बताना चाहूंगा, वो आंटी वाले मैटर पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं नहीं दे सकता भाई लिफ्ट, मेरी वाट लगती है, मुझे डर लगता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा आंटी सीधे दूर भागो भाई भागो बस यहाँ से, और कुछ नहीं। अगर वहाँ मर्द जात लौंडे लौंडे होते हैं मैं सबको बिठा देता, मैं पाँच तो नहीं बुलेट में एक टंकी में भी बिठा देता बच्चे की तरह आगे, पर ना 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 ये मेरा फोबिया है तो है, अब ये फोबिया बन चुका है अंदर से। तो बस इतना ही है, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों को तो डू शेयर, बाकी आप लोगों की इच्छा है जो भी करना चाहो करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और पीस आउट।